1000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री, तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहते कहेंगे 1000 करोड़ रुपया दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं है। नमस्कार। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। 4 दल इस एनडीए को बिहार में बनाए हुए हैं। सबसे बड़े दल के तौर पर बीजेपी, तो उसके बाद नंबर या बारी आती है जदयू की, और उसके बाद हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी पार्टी। इन 4 पार्टियों के गठबंधन से बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार चल रही है। लेकिन सवाल ये कि क्या जीतन राम मांझी जो हैं, अब उन्होंने फिर से ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी है? दरअसल जीतन राम मांझी जो है वो पहुंचे थे अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने गृह जिले गया में, और गया में जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर के सबको एक तरीके से अचरज में डाल दिया। जीतन राम मांझी का बयान ये है कि उन्होंने अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये जो है नीतीश सरकार से, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांगने की बात कही। ये तक कह दिया कि अगर उनकी मांगे उनके क्षेत्र के विकास को लेकर के पूरी नहीं होती हैं तब वो जो है जदयू में कोई शामिल नहीं है, जदयू का के कोई मेंबर नहीं है, बल्कि वो गठबंधन में है तो सरकार जा सकती है। जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है उस बयान के कई सियासी मतलब हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी हमेशा से इस तरह के बयान या प्रेशर पॉलिटिक्स के सहारे अपनी बात को न सिर्फ कहते रहे हैं बल्कि उसको मनवाने की भी पुरजोर कोशिश करते नजर आए हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में जीतन राम मांझी चाहे वो MLC कोटे से अपने परिवार के लिए एक सीट की चाहत हो, सर चाहे वो अपनी बात मनवाने की बात हो, इन तमाम तरह की चीज़ों से जीतन राम मांझी हमेशा से इस तरह से करते रहे हैं। बता दें कि जीतन राम मांझी ने गया में जो बयान दिया, जिस बयान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, वो बयान क्या है पहले सुनवाते हैं। भी बुलाया है और यही डिस्कशन हुआ कि कितना काम किया जाए, और इधर हम चोरिए से कहिए, हम संतोष को अपने बेटा को और सिविलियन को कहा है कि आप 1000 करोड़ रुपया का इस्टीमेट बना के रखिए और हमने जो बात किया है मुख्यमंत्री देंगे तो तुरंत उसमें हम लगा देंगे। वैसे में इस इलाका पे सैकड़ों योजनाएं हैं, आप लोगों ने लिखा है दिया हमारे पास है, कह नहीं सकते, सैकड़ों योजनाएं हैं जिसकी पूर्ति अगर हमको पैसा मिल गया तो इसी वित्तीय वर्ष में उसकी सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अगले वित्तीय वर्ष में वो काम यहाँ हो जाएगा। और आप तो खुश होंगे ही, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक कहने में हमको इतनी भी ये नहीं है कि हम राजनीति का ये अंतिम पारी खेल रहे हैं और अंतिम पारी में हम अपजस लेके नहीं जाना चाहते हैं, हम एक जस लेके जाना चाहते हैं कि जो हम करना चाहा अपने क्षेत्र के लिए किया है, इसलिए हमको बड़ी संतुष्टि होगी। और यदि 1000 करोड़ नहीं देंगे माननीय मुख्यमंत्री तो हम फिर उनसे कहेंगे और फिर उनसे कहते कहेंगे 1000 करोड़ रुपया दीजिए, अगर नहीं दीजिएगा तो हम आपके पार्टी में नहीं हैं, हम गठबंधन में हैं, कहीं हम चमक न जाए इसके चलते, तो फिर आप समझ जाइएगा। तो आपके क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए हम ये भी बात हम करना चाहते हैं, तो हमको उम्मीद है ऐसा नौबत नहीं आएगा, वो जरूर देंगे, हमारी बात की मान्यता देते हैं। तो हमारे इस तरीके से जीतन राम मांझी जो हैं बिहार के पूर्व CM जीतन राम मांझी ने एक बयान देकर के एक तरीके से कहें कि नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ये तो कहा है कि अगर उनको उनके अपने क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये नहीं दिए जाते हैं तो वो जो है गठबंधन से बाहर तक आने का फैसला ले सकते हैं। बिहार की बात की तो बिहार में जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी में से कोई भी दल अगर अलग होता है तो NDA की सरकार के लिए खतरा हो सकता है, और जो ज़रूरत का आंकड़ा है बहुमत के लिए उससे सीटें कम हो सकती हैं, और ऐसे में तेजस्वी यादव सरकार बना सकते हैं कुछ और दलों को साथ लेकर के। बड़ी बात है कि जीतन राम मांझी ने ये भी साफ कहा है कि क्योंकि उनकी राजनीति जो उनकी सक्रिय राजनीति है उसका ये अंतिम टेन्योर है, ऐसे में वो चाहते हैं कि जो वायदे उन्होंने लोगों के लिए किए, जनता के लिए किए हैं, उन चीज़ों को उस पर काम करके ही वो जो है इस राजनीति को अलविदा कहें। अब जाहिर तौर पर जीतन राम मांझी या हर कोई भी विधायक जो होता है अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के वोटर्स उनको वोट करते हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में कुल जो है 243 विधानसभा सीटों में से बड़ी बात यह है कि जीतन राम मांझी की जो हम पार्टी है उसमें 4 उनके विधायक हैं और जीतन राम मांझी खुद भी विधायक हैं, उनके बेटे सरकार में मंत्री हैं, और जीतन राम मांझी ने अपनी ही सरकार से अपने क्षेत्र के विकास के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि कुल 1000 करोड़ रुपये के
मांग की है, उसके ड्राफ्ट को बनाने के लिए उन्होंने अपने बेटे जो कि सरकार में मंत्री हैं उनको कह भी रखा है, और ये तक कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो एनडीए से बाहर आने के पर वो विचार कर सकते हैं। क्या लगता है आपको, क्या सच में जितना मांझी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं या इसको ब्लैकमेलिंग कहेंगे, आपको क्या लगता है जितना मांझी ने जो बातें कही हैं वो सही हैं, और अगर हैं तो क्यों हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।